हेलो एवरीवन, दिस इज गेम ऑफ एनएससी, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। तो शुरू करते हैं अपना फाइट सीन वाला वीडियो। तो अभी हम लोग आए हैं मिलिट्री बेस, और मिलिट्री बेस एकदम हॉट ड्रॉप था। मेरे को गन भी मिला उतरते उतरते, मतलब अंदर गन मिला था, फिर मैं ऊपर चढ़ा, फिर वो एक बंदे को नॉक किया, फिर उसके बाद में बॉट भी आया और मेरे पास एक सिक्स सिक्स भी। एक और बात, मेरे दो बंदे ख़त्म भी हो गए। तो हॉट ड्रॉप पे ऐसे होते रहता है। अभी जो बंदा मैंने नॉक किया था उसको मैं जी जान लगा कि बाइजन के आयरन साइड से उसको फिनिश कर रहा था मैं, लेकिन वो फिनिश नहीं होता और वो मेरे से बच के निकलता है। और बच के निकलने के बाद उधर चार लोग और थे दूसरे स्पॉट, और वो लोग बड़ी ही निर्दयता से मेरा एक किल चोरी करते। और फिर एक तो कभी कभार मेरे को गन मिला, फिर मैंने एक बंदा नॉक भी किया और वो भी किल चोरी होगा तो कैसे होएगा। तो मैं एकदम भड़क गया। और फिर कहर देखो, अभी तो यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, हाउ टू यूज़ झाड़ी इन पबजी मोबाइल। तो देखो कैसे यूज़ करता है झाड़ियों का मैं। तो यहाँ पे अभी बस एक बंदा बच रहा था और उस एक बंदे को मेरा टीममेट निपटा देता है। तो इस पूरी स्क्वाड यहाँ पे ख़त्म होती है, शायद एक दो स्क्वाड थे यहाँ पे। तो वो सब खत्म होने के बाद इनको लूट लाट के मैं लेफ्ट से फ्लैंक मारता हूँ। देखो यहाँ पे भी फाइट चल रहा होता है। तो यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक दे देता हूँ। अभी एक बंदा नॉक है और दूसरा भी डैमेज है, तो मेरे को पता है रिवाइव नहीं तो हीलिंग चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे से घुस रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं पीक मारने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों पीक नहीं हुआ, और फिर मैं नॉक होते तो बच गया क्योंकि दूसरा गन था मेरे पास, नहीं तो मेरी खटिया खड़ी होनी थी। ये भी स्क्वाड ख़त्म। अगला वाला फाइट सीन भी है मिलिट्री बेस में। तो मैंने अपने रैंडम टीममेट्स को अनफॉलो किया, वो लोग बहुत दूर जा रहे थे। मैं यहाँ पे आया हूँ हॉट ड्रॉप पे, तो मुझे लगा यहाँ पे कोई नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि मेरे जैसे अकेला कोई नहीं आया, सब अपने खानदान के साथ आए हैं। तो फिर मैं फटाफट कल्टी मार के गन ढूंढने आता, लेकिन गन तो नहीं मिलती, लेकिन एक बंदा मिल जाता है जिसके पास M4 है, और वो मेरे पीछे पड़ जाता अभी। तो मेरे पीछे पड़ता मतलब एकदम ही हाथ धो के पीछे पड़ जाता, तो पूरा 1 HP किया मेरे को उसने। अभी मैं ऐसे भागूंगा, एकदम तगड़ा भागूंगा। तो मैं यहाँ पे भाग के अपना यह आया, एक शरबत पिया, मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक पिया उस थोड़ा हेल्थ बढ़ेगा इसलिए। और फिर पीछे देखा तो वो बंदा वापस से मेरे पीछे आ रहा था, तो मैंने वापस से भागा। और भागने के बाद इस छोटे से झाड़ में आके छुप जाता हूँ। तो इस झाड़ में मैं कम से कम 1-2 मिनट तो छुप के रहा, और फिर बाद में यहाँ पर आ गया मैं। तो यहाँ पर मेरे को एक फर्स्ट एड मिल गया। तो यहाँ पर गन तो मेरे को वैसे भी नहीं मिली, तो एक फर्स्ट एड मार के मैं अभी थोड़ा सा होप आ गया मेरे में कि कुछ हो सकता है, नहीं तो मैंने तो होप छोड़ ही दिया। तो फिर यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे मेरे को मिल गए 2 गन। तो अभी होगा अपना 3 चालू। तो बहुत ही मतलब 1 HP पे सर्वाइव करने के बाद अपन एकदम इधर आए। तो टावर पे 2 नोबर्ड लोग कैंप कर रहे थे। लोग मिलिट्री बेस काई को आते पता नहीं मेरे को ऐसे नोबड़े लोग, लेकिन खैर ये लोग को तो मेरे पास स्कोप नहीं दिया, मैंने उनको छोड़ दिया और फुल अपना बड़ा वाला फ्लैंक लिया। और फ्लैंक लेने के बाद ये जो मिलिट्री के बाजू वाला जो हिस्से था ना, उस साइड तक आ गया मैं। और फिर उसके बाद में आया इस बिल्डिंग में। तो इस बिल्डिंग में मैं पहले चेक किया कि टावर पे वाले किधर बंदे, तो वो लोग नीचे आ गए थे शायद, ये सामने वाले बिल्डिंग में अभी उन लोग की फाइट चल रही थी तो वो लोग आ गए। तो सामने वाला ये बिल्डिंग मैंने पूरा चेक किया, तो यहाँ पे कोई नहीं था। फिर इस वाले बिल्डिंग में बंदे थे, तो इसमें 2 स्क्वाड थे जिनकी फाइट भी चल रही थी पहले से। तो ये सामने वाले रूम में आवाज़ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इधर एक मौली डाल के जला थे, लेकिन उतने में वो भाग जाता है। गन फाइट चालू। देखो एक्सप्रे में ये दोनों गायब हो जाते। तो मुझे अभी भी लग रहा था कि टावर पे कोई होगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्मोक डाल के लूटने का ट्राई करता, लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि टावर पे नहीं, बंदा तो इधर अंदर ही है। तो आवाज़ आता है मेरे को, तो यहाँ पे हमारा भागमबक चालू होता है, फिर हमारी लुका छुपी भी चालू होती। तो कभी वो ऊपर रहता, फिर मैं नीचे रहता, कभी मैं नीचे, फिर वो ऊपर, कभी वो आगे मैं पीछे, ये सब हमारा चलते रहता है। फिर वो मैंने जो स्मोक किया था उसमें फायर देता रहता वो बंदा, लेकिन मैं तो इधर था। फिर मेरे को थोड़ा आवाज़ आना बंद होते, तो फिर मेरे को लगा कि वो ऊपर चढ़ गया छत पे, तो छत पे जाता हूँ। और छत पे जाने के बाद मुझे याद आता है कि मेरे पास तो फर्स्ट एड ही नहीं है और जोन भी चालू है। तो मैंने सोचा कि अभी आर्या पार की लड़ाई करता हूँ और फिर मैं अंदर घुसने की सोच लेता हूँ।
और फिर अंदर घुसते घुसते मेरे को मिलता है इधर एक डब्बा और उसमें फर्स्ट एड भी मिलता है। तो फिर अभी मैंने सोचा कि हील मार के अंदर घुसता हूँ, तो यहाँ पे मैं आके हीलिंग कर रहा होता हूँ, तो वो वाला बंदा मेरी हीलिंग की आवाज़ सुन के बाहर निकलता है। और फिर बाहर निकलने के बाद वो जो ज़मीन पर भागने वाला आवाज़ थोड़ा अलग रहता है, तो लेफ्ट साइड में मुझे आवाज़ आता है। और फिर क्या, अपनी तो फिर हो गई चांदी, इधर से मैं जंप मार के दे डालता हूँ उसको। तो ये वही बंदा है जो मेरे पीछे पड़ा था, ये वही बंदा है। तो ये वाली स्क्वाड भी इधर ख़त्म। तो मिलिट्री बेस क्लियर करके रैंडम टीममेट्स के साथ मेरा मिलन होता है, फिर हम लोग फ्लेयर बियर मारते हैं, फ्लेयर बियर लूट के इधर आते हैं। और ये बग्गी देख के हमारा चार नंबर ऐसा कूदता है क्या ही बताए। तो अभी एक दो जोन बाकी थे तो वो नॉक हो गया वहाँ पे, तो उसको रिवाइव विवाइव देख के हम लोग इस हिल पे चेक कर रहे कहीं पे बंदे है क्या नहीं। तो यहाँ पे एक बंदे ने मार्क किया कि यहाँ पे बंदा है, तो उसको देख रहे होते और उतने में पीछे से गाड़ी घुस जाती है ये लोग पे। फिर अभी हम लोग इधर जाके फाइट करेंगे, तो उसको छोड़ देते और इधर आते। इधर आने के बाद ये मिलते हैं हमको बंदे और धप्पा धप्पी में इसको, उनको लगा उसको मैंने नॉक किया लेकिन वो मेरे से नहीं नॉक हो गया। ये भी किल मेरे से हाथ से जाने वाला था लेकिन ये मेरे हाथ से नॉक हो गया। और फिर बच रहा था एक बंदा, तो ये जो आखिरी एक बंदा है उसका भी किल मेरे को नहीं मिलता। और फिर मैं इन सबको छोड़ के बोलता अभी पीछे वाले को मारता, भाई पीछे वाला मेरे को नहीं मिलेगा तो कैसा होगा। तो AWM ATX थोड़ा इज्जत होना मांगता है, तो एक हेडशॉट उसको दे दिया मैंने। और फिर अभी नीचे से आवाज़ आ रहा था, तो नीचे से आवाज़ आने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ अभी, तो ATX लगा के देख रहा हूँ तो कहीं झाड़ी में मेरे को बंदे मिलते नहीं। तो और थोड़ा नज़दीक जाके देखने जाता मैं, तो एक सामने ही बंदा मिलता है। तो ये कोई है क्या ही नशेड़ी बंदा है, मतलब ये लूसीफर के पर काट दिए मैंने। तो अभी देखो ये बंदा रॉयल पास वाला बंदा है, इसको थोड़ी भी शर्म नहीं, तो उसको समझ रहा भी नहीं किधर से गोली आ रही किधर क्या है। मतलब बाइक और रॉयल पास खरीदते तुम लोग बड़े लोग, लेकिन जाने दो। ये देखो ये बंदा मेरे को लगा AFK है, लेकिन नॉक होने के बाद चलने लगा, तभी मुझे पता चला कि नहीं ही इज अलाइव। तो उसको भी मैंने किया ख़त्म। तो उस वाले स्क्वाड के भी बंदे बच रहे थे और ये जो यहाँ पे मारा इसका भी बंदा बच रहा था। तो इस पत्थर पे किसी ने मार्क किया, तो मेरा नज़र तो पूरा ये पत्थर पे था, तो मैं फ्लैंक मार के ढूंढ रहा था इस पत्थर पे। और ये सब के सब रॉयल पास वाले नुबड़े लोग थे, ये लोग रॉयल पास खरीदते कि वो पता नहीं, ये नुबड़े लोग खेलने का तो आता जाता नहीं। तो ये पत्थर पे मैं स्कोप लगा के देख रहा होता हूँ और बंदा मेरे को कहाँ मिलता है देखो। अभी ये मेरे बाजू में बंदा रहता है, इसको एक ओम से शॉट देता मैं, फिर एक ओम से शॉट देने के बाद एक स्कोर का भी हेड शॉट देता, अभी और एक कॉड हो गई ख़त्म इधर ही। अभी बच रहा था एक बंदा, तो मैंने सोचा कि उसको मैं AWM से मारेंगा। फिर मैं AWM से मारने के लिए उसको ढूंढ रहा होता इधर उधर, क्योंकि आखिरी बंदा मैंने, मतलब इससे पहले एक बंदा उधर मारा था तो उधर ही बंदा होगा, इसे मैं ढूंढता। और फिर एक बंदा मेरा यहाँ पे हो जाता है नॉक उसके हाथ पे, तो वो नॉक होने के बाद मैं तो फटाक से M4 निकलता, लेकिन उसको ढूंढता मैं ऐसा स्कोप लगा के, लेकिन वो तो मिलता नहीं। और उसके पास रहता है M249, तो मैं ऐसा जंप कर करके डॉच करने की कोशिश करता लेकिन उसकी गोली तो ख़त्म होती नहीं। और फिर मैं भी नॉक होता, लेकिन भला और रैंडम टीममेट का उसने उधर से फिनिश कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। सुबह मेरी नींद खुली, सामने देखा एक गहरा समंदर, मैंने सोचा चल चले देखे सही क्या समंदर के अंदर है। लगाई मैंने खुदी जैसे आत्मा थे डूबी मेरी खुली, जब आंख क्या देखा।